दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आप अपने आसपास देख सकते हैं, ठंडी हवाएं चल रही होंगी, तेज गति से हवाएं चल रही होंगी और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश हो रही होगी। रात भर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बिजली कड़कने के साथ बारिश हुई और लोगों को एक बार फिर से गर्मी से राहत मिल गई। 8 या 9 मई से पहले जिस तरह की बारिश हो रही थी, उतनी तेज बारिश देखने को नहीं मिली है, लेकिन आज रात को जो बारिश हुई है उसके बाद एक तरफ गर्मी से राहत है तो वहीं आने वाले समय में इसी तरह के बादल छाए रहने की भी संभावना है। आज पूरा दिन बादल छाए रहेंगे। बारिश की वजह से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव हुआ है, लेकिन ज्यादातर इलाके जलभराव की समस्या से अभी तो अछूते ही हैं। हरियाणा के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। पंचकुला में देर रात आंधी तूफान और हल्की बूंदाबांदी हुई है। करनाल में देर रात बूंदाबांदी से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं सोनीपत में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला अब भी जारी है। बात सिरसा की करें तो वहां पर भी देर रात बारिश हुई है, हालांकि मौसम फिलहाल तो साफ है। इसके अलावा गुरुग्राम में मौसम अभी साफ है, हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज हुई है पूरे हरियाणा में। तो सोनीपत में कल से अभी तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही है। कल से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, हवाएं बहुत तेज चल रही थी, तापमान में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अब चूंकि बारिश हो रही है तो गिरावट और ज्यादा हो रही है। लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए रुक रुक कर हुई बारिश वरदान साबित हुई है। उन्हें फसल बोने से पहले जमीन जोतने में आसानी हो रही है।